हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े होंगे। अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी थी ड्राई फ्रूट केक, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ इसकी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 2 अंडे लिए थे, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ड्राई फ्रूट केक, तो मैंने कहा आज हम बना के इनको दे ही दें, क्योंकि मैं इतने दिनों से मुख्तलिफ किस्म के केक्स बनाने में लगी हुई थी, लेकिन बस उनके लिए ही नहीं बना रही थी, क्योंकि आज मुझे आपको मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ रेसिपी, बहुत शौक चढ़ा हुआ है आपकी बहन को केक बनाने का, तो मैं केक बना रही हूँ। तो ये सब फास्ट फॉरवर्ड में की हुई है, बाइकें गुजर रही हैं, इतना शोर हो रहा है इधर से, जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है मेरा घर मेन रोड पर ही है, तो ऐसे बहुत गाड़ी गुजरती है। इस तरह ये केक ना मैंने 2 अंडों को अच्छी तरह फ्लफ़ी कर लिया था। अब जो चीनी थी, 1 कप चीनी जो ली थी, वो इसमें थोड़ी थोड़ी करके ग्रेजुअली हम ऐड करेंगे, और उसके बाद उसको इसके साथ साथ बीट करते रहेंगे। बीट बहुत अच्छा इससे करना है आपको, ताकि लम्स ना बने चीनी के। और ये पिसी हुई चीनी नहीं थी, ये मैंने साबुत नॉर्मल चीनी ली थी, क्योंकि इसलिए मुझे इसको ज़्यादा बीट करना पड़ा था, क्योंकि पिसी हुई चीनी थी नहीं मेरे पास। और इसमें अब हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल रहे हैं, और क्या डालेंगे, जो जो डलता रहेगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी, और आप लोग सब बताएं कैसे हैं, मज़ा आता होगा आप लोगों को मेरी वीडियोस देख के। ये ऑयल डाला है मैंने थोड़ा सा, और मुझे पता है आप लोग बहुत इन्जॉय करते हैं मेरी वीडियोस को देख के, और फिर आप लोग कहते हैं हमें भी खिला दें, ये खिला दें। मैं सोच रही हूँ मैं ये काम शुरू कर दूँ, लेकिन अभी मैं अपना हाथ सेट करने में लगी हूँ, मेरा हाथ साफ़ हो जाएगा ना इंशाल्लाह ताला। मैंने कुछ तो बिज़नेस करना ही है, जब मेरा दिल चाहता रहता है तो इंशाल्लाह ये करूँगी। अभी हमने मैदा ऐड कर लिया है, उसमें बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा नमक मैंने ऑलरेडी डाल दिया था। अब ये कैमरे का एंगल ऐसा था, मुझे पता ही नहीं, हम लगी हुई मिलाने में लगी हुई, मुझे पता ही नहीं कि कैमरे में बाउल सही से आ ही नहीं रहा। खैर है, लेकिन आप लोग समझ तो गए ना कि इस तरीके से मिलाना है सारे उसको, और मिला के अच्छी तरीके से फिर जो हमने पैन में बटर पेपर लगा के रखा हुआ है, जो इसका मोल्ड होता है केक का, तो उसमें मैंने जो है ये देखा, मैं अब मुझे देखा, मैंने कहा भाई यार ये तो मेरी तस्वीर ही नहीं आ रही है, वीडियो ही नहीं आ रही है। खैर, ये मैंने बटर पेपर पहले से लगा के रखा हुआ था, ये सारा मैंने अमीज़ा जो है इसके अंदर डाल दिया है, और ये नॉर्मल स्पंज केक की तरह ये मैंने सब कर लिया। अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट मिलाऊंगी, तो ड्राई फ्रूट मैंने ना क्रश करके, मतलब कूट के रख लिए थे, बिल्कुल बारीक नहीं किए थे और बिल्कुल मोटे नहीं काटे हुए थे ये ड्राई फ्रूट। अब मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट ये है, इसको अच्छी तरह से हिला देना ताकि बबल्स निकल जाए, और ड्राई फ्रूट डाल के ना ये मैंने कांटे की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया इसके अंदर। आप पहले भी ड्राई फ्रूट का डाल सकते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैंने इस तरह बाद में डाल दिए थे। और इसके बाद अच्छी तरह इसको आपने मिक्स कर लेना है ड्राई फ्रूट्स को, और ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह टैप 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 करके इसकी बबल्स निकाल देनी, और जो ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है ये ऊपर से आप छिड़क दे। और ड्राई फ्रूट में मैंने लिया था बादाम और अखरोट, बस ये 2 ड्राई फ्रूट लिए थे, क्योंकि यार बाकी पिस्ते वगैरह थे नहीं, और अगर आप काजू डालेंगे तो वो थोड़ा नमकीन कर देता है। तो ये हमने प्री हीट की हुई थी पतीली को, और इस पर मैंने इसको कोई 45 से 50 मिनट के लिए रखा था। अब ये मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ, या अब आप लोग इसकी शक्ल देखिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो भी लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अकाउंट को फॉलो करें। ये जी अभी ठंडा हो गया, हमने इसको निकाला, ये चेक करें इसकी मोटाई, और ये कोई इतना यमी बनाता ना। आई होप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।